और जो परिस्थिति है पुलिस की उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन खास के केवटी में जो पुलिस का रंग रूप रुतबा है वो लोकतंत्र से मैच नहीं खाता है। एक लाल धारी यादव नाम का आदमी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उसमें कंप्रोमाइज़ हो गया है, बेल पर है और कंप्रोमाइज़ होने के बाद मतलब उससे पुराना वारंट था, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। तो तुमको 40,000 रुपये देने होंगे, हम छोड़ देंगे तुमको। तुम विधायक से बात करवाते हो, तुम मुखिया से दबाव डलवाते हो, साले तुमको जेल भेज देंगे और कोई एमएलए और कोई मतलब मुखिया तुमको काम नहीं देगा। तुम अगर चाहते हो छूटे तो तुम मतलब हमें 40,000 रुपया दो। तो कहा जो इसीलिए रुतबा दिखा रहे हो, हम बहुते एमएलए को देखे हैं, तुम मतलब बचा देगा वो। इंदिरा गांधी जेल चली गई, लालू यादव जेल चला गया, मतलब ये उदाहरण उसको देने लगा और कहा जो अगर बचना चाहते हो तो 40,000 रुपया देना होगा। बीजेपी से विधायक मिश्री लाल यादव है हमारे साथ। मिश्री जी, आपके पुत्र की बीते दिनों गिरफ्तारी की गई, अब जाकर जेल भेज दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? बिहार में और जो परिस्थिति है पुलिस की उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन खास के केवटी में जो पुलिस का रंग रूप रुतबा है वो लोकतंत्र से मैच नहीं खाता है। हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है। अब मुझे जो जानकारी मिली उसमें एक लाल धारी यादव नाम का आदमी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उसमें कंप्रोमाइज़ हो गया है, बेल पर है और कंप्रोमाइज़ होने के बाद मतलब उससे पुराना वारंट था, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। वो लाल धारी यादव बड़ा हाथ पैर जोड़ता रहा पुलिस को, जो आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसमें बेल करा लिया हूँ। कहा जाए नहीं, तुम पर वारंट है। उसके बाद धीरज यादव जी जो मेरा सुपुत्र है, उनको उन्होंने फ़ोन किया जो भैया हमको मतलब पुलिस पकड़ लिया है, हम बेल पर हैं, तो मतलब हमको छोड़ नहीं रहा। तो उन्होंने पुलिस से बात की, वहाँ के थाना अध्यक्ष से बात किया और बात करने पर उन्होंने कहा जो इन पर वारंट है, कहा जो मौका दे दीजिए, बेल करा लेगा। कंप्रोमाइज़ का केस है, पति पत्नी का झगड़ा था, मतलब मेंटेनेंस का केस किया हुआ था जो हाई कोर्ट से मेटरलाइज हो गया है, तो मौका दे दीजिए, जाके कोर्ट में मतलब अपना सरेंडर कर जाएगा, बेल हो जाएगा। तो कहा अच्छा हम देख लेते हैं। उसके बाद वो पार्टी से बात किया जो तुमको 40,000 रुपये देने होंगे, हम छोड़ देंगे तुमको। तो उन्होंने कहा जो देखिए हमारा जो चच्चा है वो मतलब विधायक है मिश्री लाल यादव, और मेरा जो भाई है वो मतलब मुखिया है, और आपसे बात हो गई है, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जो तुम विधायक से बात करवाते हो, तुम मुखिया से दबाव डलवाते हो, साले तुमको जेल भेज देंगे और कोई एमएलए और कोई मतलब मुखिया तुमको काम नहीं देगा। तुम अगर चाहते हो छूटे तो तुम मतलब हमें 40,000 रुपया दो, और तुम मतलब कौन होगा तुम्हारा विधायक। तो कहा जो मेरे पिताजी का अपना मौसेरा भाई है, तो कहा जो इसीलिए रुतबा दिखा रहे हो, हम बहुते एमएलए को देखे हैं, तुम मतलब बचा देगा वो। इंदिरा गांधी जेल चली गई, लालू यादव जेल चला गया, मतलब ये उदाहरण उसको देने लगा और कहा जो अगर बचना चाहते हो तो 40,000 रुपया देना होगा। उसी क्रम में मतलब आपको पुनः धीरज जी को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने आग्रह किया जो मतलब आप इसको काहे परेशान कर रहे हैं, एमएलए होना कोई गुनाह है, मुखिया होना कोई गुनाह है, आपको छोड़ना है तो छोड़े, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़े, लेकिन अपमानित क्यों करते हैं। उसके बाद वो आपे से बाहर हुआ और मोबाइल बदलता रहा और उस लड़का को मतलब जेल भेज दिया। मेरा दावा है जो अगर 40,000 रुपये उस थाना अध्यक्ष को दे देता वो लाल धारी यादव, तो उसको जेल जाने की जरूरत नहीं होती और वो ना जेल जाता 40,000 रुपया दे देने के बाद और ना झूठा मुकदमा मेरे पुत्र पर होता। अब मामला बना जो झूठा मुकदमा करके और मेरे बेटे को मतलब जेल भेजा। आपको मालूम है बिहार का जो आईपीसी है सीपीसी है उसको पढ़ना चाहिए और धारा 332 धारा 333 353 506 504 आईपीसी के तहत उन्होंने मुकदमा किया है। मैं कहना चाहता हूं जब तक हर्ट नहीं होगा, जब तक हमला नहीं होगा, जब तक मारपीट नहीं होगी, जब तक इंजूरी नहीं होगा, तब तक आपको 333 332 नहीं लगता है। ये पुलिस उसमें सीरियस नेचर का धारा लगाया है 353 का। तो ये पुलिस और अधिकारीगण खुल के दुरुपयोग करता है। धारा जो 353 है वो पहले बेलेबुल था, अब नॉन बेलेबुल हो गया है। थोड़ी सी भी बातचीत होती है तो उसमें पुलिस 353 धारा लगा के और कहता है जो मेरे कार्यों में मतलब बाधा उत्पन्न करता है। मैं तो चाहूंगा जो या तो 353 धारा सदा के लिए समाप्त हो जाए ताकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का और लोकतंत्र में लोगों को संघर्ष करने का मौका मिले, अपनी बात दफ्तर में जाके रखने का अवसर मिले। लेकिन ऐसा नहीं होके 353 धारा जो है वो नॉन बेलेबुल बना दिया गया है और नॉन बेलेबुल बनाने के बाद अक्सरहा लोगों को जेल भेजा जाता है। तो मैं ये जो पुलिस की कार्रवाई है केवटी थाना की पुलिस की उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। वैसे मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। हमारे पुत्र हमारा जो पुत्र है वो बिल्कुल निर्दोष है, मतलब बीटेक इंजीनियर है और लगातार दूसरी बार ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया, यानी फंसाने की कोशिश की जा रही। पूरी शर्मनाक बात है। पकड़ के 8 घंटे तक उसको लापता रखा है। मिश्री जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके पुत्र ने धमकी दी थी थाना। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, किसी तरह की कोई धमकी नहीं दिया गया है। धमकी दिया तो धमकी का सेक्शन लगना चाहिए था, जो गाली पढ़ा तो गाली का सेक्शन लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सेक्शन कौन लगाया है? धारा 353। मोबाइल पर हम आपसे कुछ बातचीत करते हैं तो काम करने में क्या बाधा उत्पन्न करते हैं हम, मतलब आपसे बात करते हैं मोबाइल पर तो मैं 333 धारा आप पर हम हमला कहाँ कर रहे हैं, आपको मार कहाँ रहे हैं? तो ये सब बनावटी बात है, फंसाने की साजिश है, गुमराह किया जा रहा है। स्थानीय राजनीति का भी प्रभाव है, वह किसी न किसी स्थानीय राजनीति के दायरे में पड़कर और हमें और हमारे परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है पुलिस, यही सत्यता है। दूसरी बात, हमारे पुत्र को पुलिस ही धमकी दे रही थी जो तुमको काउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे। उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया गिरफ्तारी के समय, पुलिस ही अभद्र व्यवहार किया, काउंटर किया। हमें आज भी शंका है जो हमारे पुत्र के साथ कोई अप्रिय घटना करवा सकता है, कर सकता है। देखिए पुत्र के साथ अप्रिय घटना करवा सकता है कोई भी और कर भी सकता है। ऐसे में मिश्री लाल यादव का बड़ा आरोप है, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से इनके पुत्र को फंसाया गया है केवटी थाना के थाना अध्यक्ष के द्वारा, तो वहीं जबरन कहीं ना कहीं जेल भेज दिया गया है। वो निर्दोष है और गलत झूठा मुकदमा डालकर जेल उनको भेजवाया गया है। ऐसे में इंसाफ मांग रहे हैं और साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के इंसाफ में चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक मिश्री लाल यादव जी के पुत्र छूटते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।